नमस्ते दीदी, तुस इस बारी किस चाली दी ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करवा दिया हो? नमस्ते रोहन, इस बारी में तुसें गी बख बख चाली दी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जिया बैंकिंग सुविधा, बीमा सुविधा, कास्ट सर्टिफिकेट जारी कराने, रेजिडेंट सर्टिफिकेट दी जानकारी बगैरा उंदे ऑनलाइन पोर्टल दे माध्यम कन्नै दसन जा रदियां। ए दिलचस्प लगारदा है दीदी, प्लीज मिगी दसो जे मैं इन्हें सुविधाएं गी कियां इस्तेमाल करी सकना। बिल्कुल रोहन, चलो बक बक चाली दी ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं समा शुरुआत करनिया, जेदे च कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट ते इनकम सर्टिफिकेट दा जारी होना शामिल है। नमस्ते गीता, मिगी मेरा कास्ट सर्टिफिकेट किया मिलोग, एदे बारे च भला तुस मिगी विस्तार कने दस गिया हूं। हां बिल्कुल, कास्ट सर्टिफिकेट दी सुविधा भारत सरकार भारतीय संविधान दे मुताबक विशिष्ट जाति या उपजाति दे भारतीय नागरिकें गी विशेष योजनाएं ते आरक्षण जने फायदे दे लई उपलब्ध करांदी है। कास्ट सर्टिफिकेट दे पत्र दे आवेदन दे लई तुस इने चरणें दी पालमा करो। पहले ई एप्लीकेशन फॉर्म गी डाउनलोड करो, फी बिजन कोई गलती कीते दे सारा जरूरी डिस्क्रिप्शन भरो। ओदे मगरा अपने कुसै भी नजदीकी नोटरी दे कोल जाइयै इसी नोटराइज करवाओ। अप्लाई करने सवां पहले इक बारी फॉर्म गी खरी चाली पढ़ी लाओ। दरखास्त दे कन्ने भला मिगी कुसै चाली दा दस्तावेज लाने दी लोड़ है? हां, तुसें गी कास्ट सर्टिफिकेट दे कन्नै एह दस्तावेज लाने होंगन। कोई भी इक पहचान पत्र जिया के वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरएसबीवाई कार्ड, आधार कार्ड, सरकार या अर्ध सरकारी संस्थान आसिया जारी कीता गया कोई पहचान पत्र, पैन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड, कोई भी एक प्रमाण पत्र जिया वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बिजली दा बिल, पानी दा बिल 7/12 ते 8A दी प्रति या किराए दी रसीद, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड या प्रॉपर्टी कॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट दे लई एक एफिडेविट, अपने कुसै साके सरबंधी दा कास्ट प्रूफ, तुंदे या फी तुंदे पिता जी दा प्राथमिक विद्यालय छोड़ने आले प्रमाण पत्र दी कॉपी। आवेदक उंदे प्यो या रिश्तेदार चा कुसै दे जन्म प्रमाण पत्र दी कॉपी, गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड कॉपी जेदे च जाति, आवेदक दे पिता या रिश्तेदारें दे सामुदायिक श्रेणी दी डिटेल होवे। सोशल जस्टिस आसिया जारी कीता गेदा जाति प्रमाण पत्र एक दस्तावेज, जांच समिति आसिया जारी कीता गेदा पिता या रिश्तेदार दा वैधता प्रमाण पत्र, राजस्व आलेख या ग्राम पंचायत दे आलेख दी कॉपी, जाति दी अधिसूचना दा दिनांक समा पहले दा निवास प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट दे लई भला असेंगी किश आवेदन शुल्क भी जमा करना होग? नहीं, बिल्कुल नहीं। निवास प्रमाण पत्र दे लई आवेदन भरने दी प्रक्रिया के है? रेजिडेंट सर्टिफिकेट दी एप्लीकेशन दी विधि वैसी गै जिया कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने दी है। इस मामले च केड़े दस्तावेजे दी जरूरत हुंदी है? जेड़े दस्तावेज तुसें गी रेजिडेंट सर्टिफिकेट दी दरखास्त दे कन्नै लाने दी जरूरत है, ओ हेठ दित्ते दे न। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ते आधार कार्ड चा कोई एक
पहचान पत्र। ध्यान दियो जे एप्लीकेंट दा ना एप्लीकेशन ते आधार कार्ड दोने च इक गै होना लोड़चदा है। निर्धारित परफॉर्मे पर सेल्फ डिक्लेरेशन 18 बरे समा घट बरेस दे बच्चे दे मामले च कुसे व्यसक दे सेल्फ डिक्लेरेशन दी जरूरत पौंदी है। एप्लीकेशन जमा करने या ओदे वेरिफिकेशन दे समय एप्लीकेंट दी फोटो वेब कैमरे कन्ने लैती जाग। एप्लीकेंट दी फोटो आधार कार्ड दी फोटो कन्ने मिलनी लोड़चदी। तुंदे प्रेजेंट रेजिडेंशियल प्रूफ कोई भी एक जिया पहले दस्या गेदा है। जन्म तिथि दा प्रूफ जिया के बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। त्रै बरे समा लगातार दिल्ली च रौने दा प्रूफ जिया के एजुकेशन सर्टिफिकेट, बिजली बिल, घर दा टैक्स, पानी दा बिल वगैरा। ध्यान दियो ए जानी लेना जरूरी है जे सारे डॉक्यूमेंट गस्टर्ड ऑफिसर आसिया प्रमाणित होन। तुसें की उंदे आई कार्ड दी कापी ते उंदा फोन नंबर भी कन्नै लाना लोड़चदा है। भला इस प्रमाण पत्र लई कुसे आवेदन शुल्क दी जरूरत होग? नहीं, ए सेवा बिल्कुल फ्री है। खीर इस प्रमाण पत्र दे जारी होने च किन्ना समा लगदा है? ज्यादा नहीं, रेजिडेंट सर्टिफिकेट 14 दिन दे अंदर इशू होई जांदा है। ओ, ए तां खरी गल है। एदे अलावा भी भला कोई दुए महत्व आले प्रमाण पत्र हैन जिंदी जानकारी असेंगी होनी लोड़चदी है? हाँ, है ना, असें की इनकम सर्टिफिकेट दे बारे च भी जागरूक होना लोड़चदा जेड़ा की सबे शर्तें सने फैमिली इनकम उपर आधारित होंदा है। एदी एप्लीकेशन दी प्रक्रिया कास्ट सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट जनेही है जिया के असें उने चर्चा कीती है। पर फर्क बस इन्ना है जे ए सेवा चार्जेबल है। इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन दी फीस किन्नी है? 3.5 रुपए। वाह, ए ते सस्ता है। ते ए इनकम सर्टिफिकेट किन्ने दिने च मिली जंदा है? ज्यादा नहीं, दित्ती गेदी दरख्वास्त ते वेरिफिकेशन ते मगरा तुंदा इनकम सर्टिफिकेट तुसें की 7 दिनें दे अंदर मिली जाग। मैं वोटर आईडी लई किस चाली अप्लाई करी सकना? वोटर आईडी बनाने दे लई तुसें की एप्लीकेशन फॉर्म 6A भरने दी लोड़ है। आवेदन दे एक्सेप्ट होने दे मगरा तुंदा नाम वोटर लिस्ट दर्ज होई जाग। भला अस वोटर आईडी दे लई ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकने हैं? हाँ बिल्कुल, बस किश आसान जने स्टेप्स की पूरा करना हो। स्टेप 1, भारत दे चुनाव आयोग दी आधिकारिक वेबसाइट उपर जाओ। स्टेप 2, उन नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल उपर क्लिक करो। स्टेप 3, फी अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर उपर क्लिक करो। स्टेप 4, डिटेल्स भरो ते जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। स्टेप 5, फी खीर च सबमिट उपर क्लिक करो। सबमिट उपर क्लिक करियै तुंदी रजिस्टर्ड ईमेल उपर एक पर्सनल वोटर आईडी लिंक आओ। उससे लिंक समा तुस अपने वोटर आईडी एप्लीकेशन दा स्टेटस जानी सकदे हो। आवेदन ते मगरा किन्ने दिन च मिगी मेरा वोटर आईडी मिली जाग? तुसें गी तुंदे आवेदन दी तिथि समा 1 महीने च तुंदा वोटर आईडी हासिल होई जाग। वोटर आईडी दे आवेदन लई असें गी केड़े डॉक्यूमेंट्स दी लोड़ होग? एदे लई तुसें गी 1 पासपोर्ट आकार दा फोटो, 1 आइडेंटिटी प्रूफ ते 1 एड्रेस प्रूफ दी जरूरत होग। उने तोड़ी असें सरकारी वेबसाइटें समा जरूरी जानकारी कढ़ने दे बारे च सिखिया है। आओ उन एक मजेदार गतिविधि च हिस्सा लेचै। मैं डिजिटल लॉकर से बारे च भी सुने दा है, भला तुस असें गी ओदे फायदे दे बारे च भी दसी सकदे हो? हाँ बिल्कुल, डिजिटल लॉकर सरकार आसिया जारी डॉक्यूमेंट्स गी असेस करने दे लई एक सुरक्षित जरिया है।
ए आधार आसिया प्रदान कीती गेदी प्रमाणिकता सेवाएं दा उपयोग करदा है। ए भौतिक दस्तावेजें दी बरतून की खत्म करदा है ते सरकारी संस्थाने च वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की सांझा करना सक्षम बनांदा है। ए नागरिकें दे लई एक समर्पित व्यक्तिगत ई स्टोरेज थार प्रदान करदा है जेड़ा उंदे आधार नंबर कन्ने जुड़े दा हुंदा है। ए सरकारी महकमे ते संस्थाने च कागजी कारवाई दे करिये ओने आले एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे की घट करदा है। ए समा ते मेहनत दी बचत करदा है कि जे एदे ने डॉक्यूमेंट्स कुसे बेले ते कुता भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके कन्ने इस्तेमाल कीते जाई सकदे न। डिजिटल लॉकर च साइन अप करने दे लई केड़ी चीजें दी लोड़ है? तुसें की अपनी आधार संख्या ते ओदे ने जुड़ी दी मोबाइल संख्या दी जरूरत हो। अस डिजिटल लॉकर किया बनाई सकने हैं? डिजिटल लॉकर दी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर जाओ, साइन अप बटन ऊपर क्लिक करो, ओदे मगरा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करो ते कंटिन्यू बटन गी दबाओ। अपने मोबाइल नंबर ऊपर प्राप्त कीता गेदा ओटीपी दर्ज करो ते वेरीफाई बटन दबाओ। ओदे मगरा अपना यूजर नाम ते पासवर्ड दर्ज करो ते साइन अप बटन ऊपर क्लिक करो। अपना आधार नंबर दर्ज करो ते सबमिट बटन गी दबाओ। ओटीपी दर्ज करो ते वेरीफाई बटन गी चुनो। ओदे मगरा अपने मौजूदा डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन ऊपर अपलोड करने दे लई डैशबोर्ड गी दिखो। तुस कुसे भी ईमेल आईडी ऊपर अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकदे हो। तुस अपलोड कीते गए डॉक्यूमेंट्स ऊपर ई साइन भी करी सकदे हो जेडे की डॉक्यूमेंट्स ऊपर ऑफिशियल डिजिटल दस्तखत दे तौर ऊपर इस्तेमाल कीते जाए सकदे न। बैंकिंग भी एक जरूरी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है। ए सर्विस कस्टमर गी फाइनेंशियल सर्विस उपलब्ध करांदी है जेदे ने लोग अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। आजकल बैंक दी सर्विसेज एडवांस उंदिया जा रदियां जेड़ियां की कस्टमर गी अट्रैक्ट कर दियां। तुसें गी बस किश आसान स्टेप्स की फॉलो करना हो। स्टेप वन, पहले तुसें गी ए तय करना हो जे तुस किस चाली दा बैंक अकाउंट खुलवाना चाहंदे हो, जियां सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या रेकरिंग अकाउंट। स्टेप टू, फी अपनी पसंद दे कुसे भी बैंक च जाइए बैंक अधिकारी कन्ने मिलो। स्टेप थ्री, ओदे मगरा बैंक अकाउंट खुलवाने दे लई ओपनिंग फॉर्म भरो। स्टेप फोर, अपना बैंक अकाउंट खुलवाने दे लई रेफरेंसेस दियो। स्टेप फाइव, फी उस फॉर्म गी जरूरी डॉक्यूमेंट्स दे कन्ने सबमिट कराई दियो। स्टेप छे, तुंदा बैंक अकाउंट खोलने दा फॉर्म बैंक अधिकारी दे आसिया वेरीफाई कीता जाग। स्टेप सेवन, खीर च तुसें गी अपने नमे खुले दे अकाउंट च इनिशियल अमाउंट जमा करनी हो। स्टेप आठ, अंत च तुस अपनी चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड ते इंटरनेट बैंकिंग डिटेल ले सकदे हो। पहला तुस विस्तार कन्ने दसी सकदियां हो जे अस इंटरनेट बैंकिंग सुविधा दा लाभ किस चाली ठुआई सकने आ? हां बिल्कुल, मनी लाओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया च तुंदा अकाउंट है। हुन एसबीआई दी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने दे लई पहले तुसें की एसबीआई दी ब्रांच उपर जाना हो ते ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस दे लई रजिस्टर करना हो। फी तुसें की पोस्ट दे माध्यम कन्ने ऑनलाइन एसबीआई गी पहली बारी लॉगिन करने दी डिटेल मिली जाग। ओदे मगरा तुसें गी एक नमा यूजर आईडी, नमा लॉगिन पासवर्ड ते प्रोफाइल पासवर्ड बनाना हो। ओदे मगरा ऑनलाइन एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग दी वेबसाइट www.onlinesbi.com उपर जाइए ते लॉगिन बटन गी क्लिक करो। फी किश मैसेज दे कन्ने एक नमा पेज खुलोग। तुस उने मैसेजें की ध्यान कन्ने पढ़ी लाओ
ते फी कंटिन्यू टू लॉग इन बटन उपर क्लिक करो। फिर एक नवा पेज खुलो जेदे पर तुसें की SBI आसिया प्रोवाइड कीता गेदा यूजर नेम ते पासवर्ड पाना हो। फी लॉग इन बटन गी क्लिक करो। ओदे मगरा तुस अपनी पसंद का यूजर नेम ते पासवर्ड दोबारा बनाइए ते उसी सेव कर लाओ। कन्ने गे तुसें गी अपनी पसंद की प्रोफाइल पासवर्ड बनाने या दर्ज करने की जरूरत है। इस चाली तुंदी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट हो जा। तुसें प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMGDY दे बारे च भी सुनिया हो, जेड़ा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन दे लई एक नेशनल मिशन है। जनधन योजना दा के उपयोग है? जनधन योजना ए सुनिश्चित करदी है जे असें की सस्ते माध्यमें कन्ने फाइनेंशियल सर्विसेज मिलन, जिया कि बैंकिंग सर्विस, सेविंग ते डिपॉजिट अकाउंट, भेजी गई रकम, क्रेडिट, बीमा ते पेंशन। किस बैंक सेवा असेंगी ए सेवा मिल सकदी है? एदे लई अस कुसै भी बैंक दी ब्रांच या बिजनेस कोरेस्पोंडेंट या बैंक मित्र आउटलेट उपर जाइए जीरो बैलेंस आला अकाउंट खुलवाई सकने हां। अगर अकाउंट होल्डर चेकबुक लेना चाहंदा है तां उसी मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया पूरा करना हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना तहत खाता खुलवाने लई केड़े दस्तावेज दी लोड़ हुंदी है? तुसें की बस आधार नंबर दी जरूरत हो। जेकर तुंदा एड्रेस बदली गेदा हो है ता प्रेजेंट एड्रेस दा एक सेल्फ सर्टिफिकेशन भी काफी रहो। जेकर आधार कार्ड नहीं हो है ता कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट दी जरूरत हो, जिया वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या नरेगा कार्ड। जेकर इने दस्तावेजों पर भी तुंदा पता है ता ए पहचान ते पता दोने दे सबूत दा काम करी देंगन। पाला इने दस्तावेज दी थार कोई और दस्तावेज भी लाया जाई सकता है? अगर कुसा दे कोल इंदे चा कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन ओ बैंक द्वारा लो रिस्क दी कैटेगरी च है ता ओ दसे जार दे निमन डॉक्यूमेंट चा कुसे भी डॉक्यूमेंट की सबमिट करिए बैंक च अकाउंट खुलवाई सकदा है। जिया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टैचुटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ते पब्लिक फाइनेंशियल अथॉरिटीज आसिया जारी कीते गेदे एप्लीकेंट दी फोटो लगे दा आइडेंटिटी कार्ड। कस्टर्ड ऑफिसर आसिया एक लेटर जेदे पर व्यक्ति दी फोटो विधिवत रूप कन्ने अटेस्टेड हुआ है। पला तुस असिंगी PMGDY दी योजनाएं दे फायदे दे बारे च दसी सकदियां? हां बिल्कुल। ए योजना जमा राशि पर ब्याज उपलब्ध करांदी है। एक लाख दा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिंदी है। कुसे चाली दी मिनिमम बैलेंस दी जरूरत नहीं होंदी। ए 3,000 रुपए दा जीवन बीमा भी उपलब्ध करार दी है जेड़ा कि लाभार्थी दी मृत्यु दे मगरा पात्रता दी सबै शर्तें गी पूरी करने दे मगरा दिता जंदा है। पर च कुतै भी आसान तरीके कन्ने पैसे भेजे जाई सकदे न। 5,000 रुपए तोड़ी दा ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रति घर च छड़ा एक अकाउंट च उपलब्ध हुंदा है, खास करिये ए घर दी महिलाएं गी मिलदा है। सरकारी योजनाएं दे लाभार्थियों गी इने अकाउंटें च प्रत्यक्ष ट्रांसफर दे द्वारा लाभ मिल जंदा है। 6 महीने तोड़ी अकाउंट दी संतोषजनक संचालन दे मगरा ओवरड्राफ्ट सुविधा दी परमिशन दे दित्ती जंदी है। पेंशन ते बीमा उत्पादन गी पाना। PMGDY दे तहत पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे दावे दा भुगतान तां गै कीता जांदा है यदि रुपे कार्ड धारक ने कुसै भी बैंक ब्रांच, बैंक मित्र ATM,
POS, e-com आदि च कट समा कट एक सफल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लेन देन कीते दा हुआ है। इससे चाली लोकें की बीमा सुविधा कन्ने भी अवगत होना लोड़चदा। जीवन बीमा पॉलिसी बीमा कंपनी दे कन्ने एक चाली दा कॉन्टैक्ट है। प्रीमियम पेमेंट दे बदले बीमा कंपनी बीमा कृति मृत्यु दे मगरा व्यक्ति की लमसम पेमेंट जिसी डेथ बेनिफिट आगदेन प्रदान करदा है। भला ये सर्विस ऑनलाइन भी उपलब्ध है? हाँ, ये दे ऑनलाइन पोर्टल दे माध्यम कन्ने जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी जाई सकदी है। भला तुस मिगी जीवन बीमा पॉलिसी की ऑनलाइन प्राप्त करने दे बारे च विस्तार कन्ने दसी सकदियां हो? हाँ, बिल्कुल। LIC दी ई टर्म की प्राप्त करने दे लई तुसें की इन स्टेप्स दी फॉलो करने दी जरूरत है। स्टेप 1, सारे शा पहले www.licindia.in उपर जाओ। स्टेप 2, ऑनलाइन गी चुनो, ओदे मगरा ई टर्म गी चुनो। फी अपनी सुनिश्चित रकम ते पॉलिसी दी अवधि गी चुनो। ध्यान दियो, पॉलिसी टर्म ओ अवधि है जेदे मगरा तू सुरक्षा रकम चांदे हो। पॉलिसी धारक गी दुर्भाग्यपूर्ण मौती दे मगरा बीमा राशि दा भुगतान नामांकित मानू गी कीता जाग। फी इस फॉर्म च किश आम जानकारियां दर्ज करो, जियां नां, उम्र, जेंडर, क्वालिफिकेशन वगैरह। ओदे मगरा एक प्रीमियम कैलकुलेटर चुने हुए दे पैरामीटर दे लई प्रीमियम गी कैलकुलेट करग। बीमा किश्त, उम्र, जेंडर, टर्म्स, एश्योर्ड सम, हेल्थ, तंबाकू यूसेज उपर निर्भर करो। 50 लाख समा मती सुनिश्चित राशि पर गैर तंबाकू उपभोक्ताएं दे लई बीमे दा प्रीमियम रेट कट हुंदा है। फी एनुअल, मंथली, क्वार्टरली या आफ ईयरली चा कोई भी एक प्रीमियम पेमेंट मोड चुनो। www.licindia.in उपर ऑनलाइन फॉर्म भरो ते ऑनलाइन गै प्रीमियम पे करो। स्टेप 8, ऑनलाइन भुगतान दे मगरा इलेक्ट्रॉनिक रसीप्ट जरूर रखो। सरकार आसिया भला और कोई बीमा योजना मुहैया करवाई गई दी है? हाँ, सरकार ने अटल पेंशन योजना प्रोवाइड कराई है, जेदे तहत वीकर सेक्शन दे लोग अपने बुढ़ापे दे लई एक अमाउंट जमा करिए रखी सकदे न ते ग्रांटेड मंथली पेंशन अमाउंट प्राप्त कर सकदे न। इस योजना दे तहत ग्राहक की 60 साल दी उम्र दे मगरा उंदे योगदान राशि ते अवधि दे आधार पर तय पेंशन प्राप्त हो। मैं अटल पेंशन योजना लई किन्या अप्लाई करी सकना? इस योजना दे तहत ग्राहक की 60 साल दी उम्र दे मगरा उंदे योगदान राशि ते अवधि दे आधार पर तय पेंशन प्राप्त हो। तुस इस योजना दे लई बैंक वेबसाइटें ते थर्ड पार्टी वेबसाइटें पर ऑनलाइन उपलब्ध एक सब्सक्राइबर फॉर्म दे माध्यम कन्ने अप्लाई कर सकदे हो। जियां के जेकर तुस बैंक कन्ने अप्लाई कर रहे हो ता इन स्टेप नी फॉलो करो। स्टेप 1, पहले कुसे भी वेबसाइट समा अटल पेंशन योजना दा फॉर्म डाउनलोड करो या फी इसी बैंक समा प्राप्त करी लाओ। स्टेप 2, फॉर्म भरो ते ए ध्यान रखो जे दित्ती जारदी सारी इन्फॉर्मेशन सच ते सही है। स्टेप 3, फॉर्म दे कन्ने आधार कार्ड दी फोटो कापी जरूर लगाओ। स्टेप 4, फी जेड़ी पेंशन तुसें की 60 बरे दी उम्र दे मगरा चाहिदी उदा चयन करो। ओदे मगरा तुसें की पता चली जाग जे तुसें की हर साल किन्नी प्रीमियम देनी हो। स्टेप 5, फी अपना सेविंग अकाउंट नंबर एंटर करो। यदि तुंदे कोल सेविंग अकाउंट नंबर नहीं है ता तुस इस सेम ब्रांच नॉर्मल कंडीशन दे कन्ने या जनधन योजना दे तहत खोली सकदे हो। स्टेप 6,
चुनी दी पेंशन राशि दे तहत हर महीने तुसें की जमा खाते समा खुद ब खुद प्रीमियम कटी लेता जाग। एदी सहमति तुसें की योजना दे लई भरे गेदे फॉर्म च देनी हो। स्टेप 7, ये सब परी लैने दे मगरा तुस एक बारी अपने बैंक अधिकारी समा पूछी सकदे हो जे भला उन्हें फॉर्म दे कन्ने और कोई डॉक्यूमेंट दी जरूरत है ते ओ तुसें की सब्बै फॉर्मेलिटी की पूरा करने च मदद करगन। इस योजना दे लई आवेदन करने वाले मानव दी आयु सीमा के है? 18 समा 60 बरे। सरकार आई रिस्क कैटेगरी जीएम मैकेनिक मजदूर मती सारी यात्रा करने वाले ट्रक ड्राइवरें की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY दे तहत एक्सीडेंट इंश्योरेंस मुहैया करवांदी है। आऊं इस योजना लई एनरोल किया हो सकना? तुस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दे लई किश सरल स्टेपें की फॉलो करिए ऑनलाइन एनरोल करी सकदे हो। पहले अपने SBI इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट च लॉग इन करो। सफलतापूर्वक लॉग इन करने दे मगरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लिंक उपर क्लिक करो। फिर एक नवा पेज खुली जाग जिथे तुसें की योजना ते अपना अकाउंट नंबर चुनना हो। एदे मगरा सबमिट बटन उपर क्लिक करो। ओदे मगरा CIF नंबर चुनो ते सबमिट उपर क्लिक करो। एदे मगरा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुली जाग जिथे तुसें की किश बेसिक ते नॉमिनी दी डिटेल भरनी हो। किश डिटेल जिया के नाम पता आदि पहले समा दर्ज कीते दा हो। सबे डिटेल एंटर करने दे मगरा एंटर बटन दबाओ। एदे मगरा तू सफल रजिस्ट्रेशन दा एक मैसेज दिख गयो ते एक रेफरेंस नंबर भी तुसें की प्रदान कीता जाग। तुस स्टेटस तक दा उपयोग करिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे स्टेटस की भी दिखी सकदे हो। पहला तुस कृपा करिए असेंगी इस योजना दे लाभ ठुआने दे लई तय आयु सीमा दे बारे च दसी सकदी हो? हाँ बिल्कुल, इस योजना दी एज लिमिट 18 समा 70 बरे है। पहला सरकार वरिष्ठ नागरिक के लिए भी नई कोई बीमा योजना उपलब्ध करांदी है? हाँ बिल्कुल, यूनियन कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन दे लई वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 यानी BPBY की मंजूरी दे दी है। 8% बरे दी रिटर्न दी गारंटी दर उपर ए योजना 10 वर्षे दे लई पेंशन प्रदान करो। कृपया असेंगी इस योजना दे बारे च किश और दसो। ए योजना 10 बरे तोड़ी पक्के तौर पर पेंशन दी एश्योरिटी दिंदी है। योजना दा उद्देश्य 60 बरे दी आयु दे लोकें गी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कराना है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना दे तहत मिनिमम पेंशन 500 रुपए ते बद्दोबद्द 5000 रुपए प्रति मंथ दी दिती जाग। LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना च लॉक इन पीरियड 15 साल है। ग्राहक ते कोल मंथली क्वार्टरली अर्धवार्षिक ते वार्षिक आधार पर पेंशन चुनने दा विकल्प हो। पेंशन सीधे ECS NEFT दे माध्यम कन्ने पेंशन भोगी दे बैंक अकाउंट च जमा हो जाग। चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कीता जाग। LIC समा प्राप्त नॉर्मल पेंशन उपर कर लागू है, लेकिन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना दे तहत भुगतान कीती गेदी प्रीमियम गी 1380C दे तहत टैक्स समा छोड़ दिती गेदी है। पॉलिसी धारक 3 वरे दे पूरे होने दे मगरा लोन दे लाभ ठुआई सकदे न। खरीद मूल्य दा 75% राशि उच्चतम संभावित लोन दी राशि होग। पेंशन भोगी दी मृत्यु पर नॉमिनी की इन्वेस्टेड अमाउंट वापस मिल। भला नहीं कोई सेवा सरकार आसिया उपलब्ध करवाई गई है जेडी मिगी मेरी लैंड डिटेल्स की एसेस करने दी खुल दिंदी है?
हाँ, सेंट्रल ते स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड की ऑनलाइन लाने दी कोशिश च लगे दे न। पर दे रियल एस्टेट सेक्टर च अधिक पारदर्शिता लियाने दे लई कई राज्य पहले समय गे अपनी लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइज कीते दा है। ए तां बड़ी खरी गल है, इस सेवा की मैं कियां हासिल करी सकना? बस तुसें की किश आसान स्टेप्स की फॉलो करने दी जरूरत। सारे शा पहले अपने स्टेट दे आधार उपर वेबसाइट उपर जाओ। एग्जाम्पल दे लई जेकर तुंदी लैंड उत्तर प्रदेश च है ता तुसें की www.bulake.up.nic.in उपर लिंक उपर जाना हो। स्टेप टू, फिर तुसें की ओ डिस्ट्रिक्ट चुनना हो जेदे च तुंदी जमीन मौजूद है। मनी लाओ तुसें सूची चा गौतम बुद्ध नगर की चुनिया है। स्टेप थ्री, एदे मगरा तहसील या राजस्व मंडल की चुनो जेदे अधिकार क्षेत्र च ओ भूमि आंदी है। तहसील दा तालिका च गौतम बुद्ध नगर की चयन करो ते ओदे मगरा अपने ग्रां या इलाके की चुनो। मनी लाओ तुंदी जमीन अट्टा गुजरां च है। रेवेन्यू रिकॉर्ड च मेंशन जमीन नंबर प्रदान करिए लैंड डिटेल उन प्राप्त कीती जाई सकती है जेडी आसानी कने ऑनलाइन पाई जाई सकती है। उदाहरण दे लई मनी लाओ साढ़े एक मामले च स्टार्ट है। फी स्टार्ट दर्ज करो ते सर्च दा बटन दबाओ। तुसें गी मती डिटेल जियां खसरा ते खाता भी भरना पई सकदा है जेकर तुंदे लैंड नंबर च मते अलाटीज हैं ते साइट तुंदी डिटेल गी सर्च करो। खीर च हेठले बॉक्स उपर क्लिक करो जेदे मगरा तुस डिटेल मैं स्कॉलरशिप दे लई अप्लाई करना चाहना ते भला तू सरकार आसिया दित्ती जारदी कुसै नई सेवा दे बारे च दसी सकदिया हो जेडिया स्कॉलरशिप कन्ने जुड़े दे मामले पर काम करदी है? हाँ बिल्कुल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP एकमात्र समाधान है जेदे माध्यम कन्ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप कन्ने सरबंधित बख बख सर्विस प्रोवाइड कीतियां जंदियां। इस सर्विसेज न स्टूडेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दी रसीद, प्रसंस्करण दे कन्ने के स्कॉलरशिप दी मंजूरी, स्टूडेंट की बख बख स्कॉलरशिप दा वितरण, नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल की नेशनल ई गवर्नेंस योजना दे तहत एक मिशन प्रणाली परियोजना दे रूप च लित्या गेदा है। वर्तमान च NSP च 9 भाग लेने आले मंत्रालय विभाग ते 21 पंजीकरण योजना हैं। इस पहल दा मकसद है सिंप्लीफाइड, मिशन ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव ते पारदर्शी स्मार्ट सिस्टम। ए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन दा तेज ते प्रभावी डिस्पोजल की इंश्योर करदा है ते बिना कुसे गड़बड़ी दे फंड लाभार्थी दे खाते च पुजी जंदा है। इस पोर्टल दा इस्तेमाल करिए आऊं वजीफे दे लई किस चाली आवेदन करी सकना? ए बड़ा सौखा है, बस तुसें की किस स्टेप्स की फॉलो करना हो। पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल http://scholarships.gov.in/new-student-regform पर जाओ ते फी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज दे माध्यम कन्ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाओ। सिस्टम दे द्वारा दिते गेदे इंस्ट्रक्शन दे मुताबक एप्लीकेशन गी भरो ते फी सबमिट उपर क्लिक करो। सेव करने दे मगरा तुसें गी एक टेम्पररी आईडी मिलो। फी बाद दे डिटेल गी भरने दे लई अपनी टेम्पररी आईडी ते डेट ऑफ बर्थ भरो। रजिस्ट्रेशन ते ऑनलाइन फॉर्म जमा करने दे मगरा एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन आईडी बनी जंदी है जिसी एप्लीकेशन दा स्टेटस ते रिन्यूअल दे लई इस्तेमाल कर देन। पहला मैं अपना फॉर्म सबमिट करने दे मगरा भी अपना विवरण एडिट करी सकना? नहीं, जदू तोड़ी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जंदी तदू तोड़ी तुस डिटेल च बदलाव नहीं करी सकदे।
मैं भविख च अपने स्कॉलरशिप दा रिन्यूअल कियां करी सकना? स्कॉलरशिप दे रिन्यूअल दे लई तुसें गी अपने बैंक अकाउंट नंबर ते डेट ऑफ बर्थ जिसी अपने पिछले वरे रजिस्ट्रेशन कराए दा हा इन्हें चीजें दी जरूरत हो। तुस फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करिए भी अपनी आईडी दोबारा पाई सकते हो। इस चाली ई हॉस्पिटल सरकार आसिया प्रदान कीते जाने वाली सारे शा इम्पोर्टेंट सर्विस चा एक है। ए आईसीटी सॉल्यूशन पर आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जेड़ा स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर दे हॉस्पिटल दे लई है। भला तुस ने किश अस्पताले दे नां दसी सकदे हो जेड़े इस सिस्टम दे तहत सर्विस मुहैया करार दे हुन? पोर्टल उपर हॉस्पिटलें दी लिस्ट है जेदे माध्यम कन्ने पेशेंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकदे न। मरीज दे रजिस्ट्रेशन दे लई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ORS डिवेलप कीता गेदा है। ए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिथे आधार धारक नागरिक भारत दे बख बख स्टेट ते केंद्र शासित राज्य च भी हॉस्पिटलें च नियुक्ति दे लई नामांकन करी सकदे न। ई अस्पतालियां सिया और दुई केड़ी सेवा दितियां जांदियां न? इस सर्विस दे माध्यम कन्ने कुसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल च ओपीडी च अपॉइंटमेंट लैब दी रिपोर्ट ते ब्लड अवेलेबिलिटी दी जानकारी ऑनलाइन होई गेदी है ते ए आसान भी है। भला मैं एदे राए अपनी घरे आली लई भी अपॉइंटमेंट ले सकना? हाँ बिल्कुल, एदे लई किस स्टेप्स की फॉलो करने दी जरूरत है? स्टेप वन, सारे शा पहले http://orsgov.in:copp:appointment.jsp पोर्टल उपर जाओ। फिर पेशेंट दा आधार नंबर दर्ज करो। जेकर पेशेंट दा मोबाइल नंबर UIDAI दे कन्ने रजिस्टर होए दा है ता UIDAI दे SMS राए वन टाइम पिन OTP भेजे जाग। ओपीडी अपॉइंटमेंट दे लई आधार धारक गी UIDAI च अपने KYC डाटा गी हॉस्पिटल दे कन्ने शेयर करने दे लई अनुमति देनी हो। जेकर ओदा मोबाइल नंबर UIDAI कन्ने रजिस्टर्ड नहीं है तां मिगी के करना होगा? ने मामले च आधार दे मुताबक पेशेंट दा नां दिता जाना चाहिदा ते UIDAI दे कन्ने डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करने दे मगरा पेशेंट की मोबाइल नंबर ते अन्य विवरण जिया एड्रेस एज आदि देने दी अनुरोध करने लोड़चदे। जेकर उपयोगकर्ता दे कोल आधार नंबर नहीं है ता ओ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कियां दर्ज करी सकदा है? ने केसेस च यूजर की पेशेंट दी आइडेंटिटी प्रदान करने दे मगरा हॉस्पिटल समा ओपीडी कार्ड प्राप्त करना हुंदा है, ओदे मगरा यूजर की ओपीडी अपॉइंटमेंट दे डिटेल देने आले SMS दे जरिए एक कन्फर्मेशन भेजा जांदा है। आधार नंबर कन्ने खुद दी वेरिफिकेशन करने दे मगरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल च डिपार्टमेंट की चुने जाना रोगी की जिथे जांच दे लई जाना हुआ है। फी अपॉइंटमेंट दी डेट की सिलेक्ट करो ते एक SMS दे माध्यम कन्ने कन्फर्मेशन प्राप्त करो। खीर च लैती गेदी डेट या समय पर हॉस्पिटल आधार और कुसे दे लई इंडियन गवर्नमेंट दी बखी दा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आसिया जारी कीते गेदे 12 अंकियां ले अद्वितीय पहचान संख्या है। आऊं आधार दे लई कियां एनरोल करी सकना? आधार कार्ड च खुद की एनरोल करने दे लई किस चरण दी पालमा करने दी जरूरत है? स्टेप वन, सारे शा पहले एनरोलमेंट दा फॉर्म भरो। फॉर्म की पढ़ने च जेकर तुसें की कठिनाई होआ दी है ता तुस एनरोलमेंट ऑपरेटर दी मदद ले सकदे हो। ऑपरेटर लोकल सपोर्ट जिया गांव दा अधिकारी, फील्ड इंस्पेक्टर, इंट्रोड्यूसर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
एनजीओज, सिविल सोसाइटी आउटरीच, सीएसओज आदि दे सहायता लेने च तुसेंगी गाइड कर सकदे न। भला असेंगी अपने कने कोई दस्तावेज लेई जाना होग? हाँ, तुसेंगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ते पहचान पत्र यानी वोटर आईडी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पीओआई, निवास प्रमाण, प्रूफ ऑफ एड्रेस पीओए, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ ते रिश्ते दे प्रमाण, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप पीओआर इन डॉक्यूमेंट दी एक फोटो कापी वेरिफिकेशन दे लई ले जानी हो। जेकर तुस इंदे चा कोई भी फोटो कापी नहीं ले जा रहे हो ता एनरोलमेंट सेंटर तुसेंगी फोटो कापी मुहैया करवाग। स्टेप टू, एदे मगरा वेरीफायर पीओआई पीओए डीओबी पीओआर दी जांच डॉक्यूमेंट कने करो। फी वेरीफायर वैलिडेट कीते गेदे डॉक्यूमेंट्स दी फोटोकॉपी पर साइन ते मोर लगाओ। एदे मगरा एनरोलमेंट ऑपरेटर एनरोलमेंट फॉर्म कने एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर च वेरीफाइड डेमोग्राफिक रेजिडेंट डाटा पांदा है। जेकर तुंदा डाटा रजिस्ट्रार आइडेंटिफायर दे आसिया सुधारा जाई चुके दा है ता एनरोलमेंट ऑपरेटर रेजिडेंट डेमोग्राफिक जानकारी की जांच करिए ठीक कर दा है या फी उसी पूरा पढ़दा है। एदे मगरा एनरोलमेंट ऑपरेटर वेलफेयर सर्विसेज दे वितरण च लगे दे संस्थान दे कन्ने तुंदी जानकारी सांझा करने दे लई तुंदी सहमति मंगो। तद अनुसार ऑपरेटर यस नो दे रूप च तुंदा रिस्पांस जानने दे लई एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर च एक उपयुक्त विकल्प गी चुनो। एनरोलमेंट ऑपरेटर गी ए जांचना हो जे आरजीआई यानी जनगणना या सेंसस अधिकारियें आबादी यानी जनगणना सर्वेक्षण दे लई तुंदे घर दा दौरा कीता है ते एनपीआर रसीद नंबर TIN तुसेंगी सौंपया है। फी ओ एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर च एनपीआर नंबर पला पंजे बरें सवा घट बरेसू दे बच्चे एदे च एनरोल्ड होई सकदे न? हां बिल्कुल, पांच बरे समा घट बरेसू दे बच्चे दे केसेस च मां प्यो या अभिभावक दा नां ते आधार एनरोलमेंट नंबर चा एक दर्ज कीता जाग। एनपीआर नंबर दर्ज करने दे मगरा एनरोलमेंट ऑपरेटर ए दिखने दे लई जांचदा है जे भला तुंदी अखा ते उंगलियां गायब या अंग विच्छेद एन या नहीं ते एनरोलमेंट सुपरवाइजर ए दी तस्दीक करदा है। जेकर तुंदे कोल कोई बायोमेट्रिक एक्सेप्शन है इन्हें की बायोमेट्रिक एक्सेप्शन दे रूप च डेमोग्राफिक स्क्रीन उपर भी दर्ज कर लेता जाग। ऑपरेटर मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन दे ब्योरे च भी सही जानकारी दर्ज करदा है। एदे मगरा ऑपरेटर तुंदे शा पुछो जे पहला तुस अपने प्रेजेंट बैंक अकाउंट की अपने आधार कन्ने जोड़ना चाहंदे हो या तुंदे आधार दे आधार पर एक नवा बैंक अकाउंट खोलना चाहंदे हो। जेकर तुस फाइनेंशियल इंक्लूजन दी योजना दा हिस्सा बनने दे लई राजी हो ता ऑपरेटर ए जांच करो जे तुंदे कोल कुसै भी बैंक चा एक च प्रेजेंट अकाउंट है या नहीं। जेकर सूचित कमर्शियल बैंक चा कुसे एक च भी तुंदा अकाउंट है ता ऑपरेटर गी बैंक दा नां IFSC ते अकाउंट नंबर जनेई अकाउंट्स डिटेल हासिल करानी लोड़ चदियां। जेकर तुस एक नवा अकाउंट खोलना चाहंदे हो ता ऑपरेटर एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर च इसी मेंशन करो, फ्यूचर च तुंदे लई एक खाता खोलिया जाग। फी एनरोलमेंट ऑपरेटर वेब कैमरे दे राए तुंदे चेहरे दी फोटो लैग। जेकर तुंदे कोल मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन है ता इंदी कैमरे कन्ने फोटो लेती जाग। इस चाली एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स IRIS दी जानकारी लिखो ते एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट दी जानकारी भी लिखो।
एदे मगरा आपरेटर तुंदे सामने रखे दे मॉनिटर उपर दर्ज होए दा डाटा दसू ते जेकर जरूरी होआ ता आपरेटर तुसें की सब डिटेल पढ़िए सुनाग ता जे ए एंश्योर कीता जाई सके जे सब डिटेल सही है। जेकर तुस डाटा च कुसे भी चाली दे सुधार दी मंग करगे ता एनरोलमेंट ऑपरेटर गी एनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर च सुधार करना हो। भला इस चाली दे बदलावे दे लई कोई दस्तावेजी प्रमाणे दी जरूरत हुंदी है? हाँ, उपनाम बदलने जने बड़े बदलावे गी करने दे लई एनरोलमेंट ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगू। एनरोलमेंट ऑपरेटर उस आधार दे लई कन्फर्मेशन ते साइन ऑफ दे लई अपने फिंगरप्रिंट प्रदान करदा है जेडे आधार एनरोलमेंट क्लाइंट च दर्ज कर लेते जंदे न। एनरोलमेंट एजेंसी सुपरवाइजर दे फिंगरप्रिंट दी लोड होई सकदी है। जेकर कोई अबाद जिया के उंगली या अख दी कमी ते जेकर बायोमेट्रिक दी क्वालिटी खरी नहीं है ता फोर्स कैप्चर ऑप्शन दा उपयोग कीता जांदा है। परिचयकर्ता दे आधार उपर एनरोलमेंट दे केस च परिचयकर्ता गी अपने फिंगरप्रिंट कन्ने साइन ऑफ करिए ए पुष्टि करनी हुंदी है जे दर्ज कीती गेदी सभी जानकारी सही है। जेकर परिचयकर्ता एनरोलमेंट दे दौरान आपू मौजूद नहीं है ता एनरोलमेंट आले दिना दे खीर तोड़ी परिचयकर्ता दे आसिया वेरीफाई कीता जाई सकदा है। इसे चाली परिवार दे प्रमुख HOF बेस्ड एनरोलमेंट दे केस च परिवार दे एड गी उंदे फिंगरप्रिंट दे कन्ने साइन ऑफ करना हो ए सुनिश्चित करने दे लई जे दर्ज कीती गेदी जानकारी सही है। खीर च ऑपरेटर गी तुंदे आसिया सिलेक्टेड लैंग्वेज गी चुनना हो जेदे च प्रिंट रसीट उपर लीगल डिक्लेरेशन टैक्स प्रिंटेड हो। ओदे मगरा ऑपरेटर एक्नोलेजमेंट स्लिप ते A4 आकार दी शीट उपर सहमति फॉर्म प्रिंट करो। ऑपरेटर गी केंद्र समा प्राप्त शीट की फाड़ना हो। ऑपरेटर स्लिप उपर साइन करो ते तुसें गी देग। ओदे मगरा तुसें गी सहमति फॉर्म उपर साइन करने होंगन ते इसी ऑपरेटर गी वापस करना हो। जेकर निवासी पंजे बरे समा लोका बच्चा है ता बच्चे दे माँ प्यो अभिभावक जिंदी एनरोलमेंट आईडी सॉफ्टवेयर च दर्ज कीती गेदी ही सहमति फॉर्म उपर साइन करगन। POA POI ते DOB प्रमाणे दे कन्ने सहमति फॉर्म गी फी रजिस्ट्रार आसिया निर्धारित प्रोसीजर दे मुताबक जमा की। एक हरा है पर जेकर जरूरत तो है ता आधार नंबर असल करने दे मगरा डाटा च कोई भी बदलाव किता जा सकदा है? जरूर, जेकर निवासी की कुसे भी डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक डाटा की अपडेट करने दी लोड है ता ओ अपडेट एनरोलमेंट प्रोसीजर दा अनुसरण करी सकदा है। ए प्रोसीजर नमी एनरोलमेंट दे समान है। आऊ इस प्रोसीजर गी एक्सप्लेन करनी हां। ए प्रोसीजर कैप्चरिंग रेजिडेंट डेमोग्राफिक डाटा कन्ने शुरू हुंदा है। इन्या करने दे लई तुसें गी मेन्यू बटन उपर क्लिक करना हो, फी लाइफ साइकिल चेंजेस उपर क्लिक करना हो ते फी तुसें गी अपडेट रेजिडेंट इनफॉरमेशन विकल्प चुनना हो। इत्थे पहला स्टेप है जे आधार नंबर ते निवासी दे नां गी भरना है। ए चेते रखना लोड़चदा है जे अपडेट एनरोलमेंट शुरू करने दे लई आधार नंबर ते निवासी दा नां जरूरी है। NPR भी एक जरूरी फील्ड है पर जेकर ए उपलब्ध नहीं है ता तुस नॉट गिवन चेक बॉक्स गी सिलेक्ट कर सकदे हो। जेकर निवासी एक नवजात है ता कृपया चेक बॉक्स च द रेजिडेंट इज लेस देन 5 years old गी चुनो। जेकर निवासी की अपना बायोमेट्रिक डाटा अपडेट करने की जरूरत है ता प्लीज अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स दे चेक बॉक्स की चुनो। अगले स्टेप च ना च सुधार करी सकने आ। ना एक जरूरी फील्ड है जेदे च पामे सुधार की जरूरत नहीं हो है फिर भी इसी भरिया जंदा है।
ਨਾਂ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਪਰੇਟਰ ਗੀ ਨਿਊ ਨੇਮ ਟੈਕਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਐਡਿਟ ਆਈਕਨ ਉਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਸ ਬਣਾਈ ਦੇਗ ਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਰੂਫ ਯਾਨੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ POI ਦੇ ਕੰਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜੈਂਡਰ ਜਾਂ ਏਜ ਜਾਂ DOB ਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਐਡਿਟ ਆਈਕਨ ਉਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰੀਏ ਇਸੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਲਡ ਗੀ ਐਨੇਬਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਗੀ ਕੰਟੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡਰ ਬਾਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬੱਖੀ ਉਪਲਬਧ ਐਡਿਟ ਆਈਕਨ ਉਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਪਰੇਟਰ ਆਸਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਈਮੇਲ ਫੀਲਡ ਕੀ ਛੋੜੀਏ ਐਡਿਟ ਉਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭੇ ਫੀਲਡ ਐਨੇਬਲ ਹੋਈ ਜਾਂਗਨ ਓਪਰੇਟਰ ਆਸਿਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਭੇ ਫੀਲਡ ਸਹੀ ਚਾਲੀ ਭਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਐਡਰੈਸ ਫੀਲਡ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਪਰੂਫ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਣਾ ਲੋੜਚਦਾ ਅਰਥਾਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ POA ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ID ਗੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਪਰੇਟਰ ਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਡਿਟ ਆਈਕਨ ਉਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋ ਇਸ ਪੇਜ ਦਾ ਖੀਲਾ ਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਹਿਮਤੀ ਗੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਚ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਟਨ ਉਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਜ ਖੋਲੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੀ ਮਾਨਯ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ POI ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਰੂਫ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਪਰੂਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਬਟਨ ਇਨੇ ਪ੍ਰਤੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਐਨੇਬਲ ਹੋ ਓਪਰੇਟਰ ਗੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨਿਊ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਚੈਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਆਸਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਉਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਟੇਲ ਫੀਲਡ ਗੀ ਭਰੋ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਐਨਰੋਲਡ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ ਅਰਥਾਤ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਏ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਓਪਰੇਟਰ ਗੀ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨਿਊ ਬਟਨ ਸਮਾਂ ਸਰਬੰਧ ਚੁਣਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਸੀ ਨਾਂ ਤੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ID ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ 5 ਬਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਮਤੀ ਬਰੇਸੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਪ ਵੈਰੀਫਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡਿਟੇਲਸ ਫੀਲਡ ਗੀ ਗੈਰ ਅਨਿਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਵੈਕਲਪਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਬਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਮਤੀ ਬਰੇਸੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਪ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਰ ਸ਼ੈਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਡਰੈਸ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ ਸਤਰ ਗੈਰ ਅਨਿਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਵੈਕਲਪਿਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਬਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾ ਮਤੀ ਬਰੇਸੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹੈਡ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡਿਟੇਲਸ ਖੇਤਰ ਅਨਿਵਾਰਿਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੀਲਾ ਸਟੈਪ ਰਸੀਦ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੈ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਚੇਂਜ ਡਾਟਾ ਸਹੇਜੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਮਗਰਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿੰਡੋ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ
सक्सेस मैसेज एदे शा पता चलदा है जे एनरोलमेंट डाटा च अपडेशन सफलतापूर्वक पूरा होई गया है। एनरोलमेंट आईडी एनरोलमेंट पूरा होने दे मगरा जेडी आईडी जनरेट हुंदी है उसी एनरोलमेंट आईडी आखदे न। उहे रसीद उपर भी प्रिंटेड हुंदी है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दे प्रिंटेंट दे प्रिंट गी लोकल लैंग्वेज च लैने दे लई इक चेक बॉक्स भी है। रसीद च लोकल लैंग्वेज सर्विस देने दे दौरान आधार किस चाली इस्तेमाल किता जा सकता है? आधार सीडिंग एक नई प्रक्रिया है जेदे राए निवासियों दा यूआईडी सही रूप कन्ने सेवा प्रदाता दे सेवा वितरण यानी डिलीवरी डाटाबेस च आधार दे द्वारा प्रमाणीकरण की जारी करने दे लई जोड़िया जांदा है। एदे लई तुसें की SBI इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल www.onlinesbi.com उपर जाना हो। ओदे मगरा माई अकाउंट्स दे एठ लिंक योर आधार नंबर उपर जाओ। ओदे मगरा अकाउंट नंबर चुनो, आधार नंबर दर्ज करो ते सबमिट की क्लिक करो। फी मानचित्र यानी मैपिंग दी स्थिति दी सलाह ग्राहक की ओदे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उपर दिती जाग। तुस अपने एटीएम चैनल दे कुसे भी एटीएम दा इस्तेमाल करिये अपने बैंक खाते दे कन्ने अपने आधार नंबर की जोड़ी सकदे हो। एदे लई पहले अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करो ते अपना पिन एंटर करो। फी मेन्यू सर्विस रजिस्ट्रेशन की चुनो। ओदे मगरा आधार रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण चुनो। ओदे मगरा खाते दी किस्म ते अपनी आधार संख्या दर्ज करो। पहला अस अपना आधार मोबाइल फोन कन्ने भी लिंक करी सकने हां? हां 5-6-7-6-7-6 उपर इस 40 SMS करो। UID स्पेस आधार नंबर स्पेस अकाउंट नंबर। जेकर तुंदा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है या जेकर तुंदा आधार तुंदे खाते कन्ने पहले समां गै जोड़े दा है तां तुसें गी SMS कन्ने जवाब आई जाग। जेकर तुंदा मोबाइल नंबर बैंक दे कन्ने रजिस्टर्ड है तां तुंदी रिक्वेस्ट दी कन्फर्मेशन SMS राएं मिली जाग। फी तुंदा आधार नंबर UIDAI दे कन्ने बैंक आसिया जांचया जाग। जेकर ए जांच असफल रही तां उपभोक्ता गी एक SMS भेजया जाग जे ओ SBI दी शाखा कन्ने अपने आधार नंबर या ई आधार दे कन्ने संपर्क करे। अस आधार गी बैंक दी शाखा कन्ने कियां लिंक करी सकने आ? SBI दी कुसे भी ब्रांच च आधार नंबर या ई आधार दी कॉपी लिए जाओ। शाखा च आधार पत्र दी जेरेक्स कॉपी दे कन्ने अनुरोध पत्र जमा करना हो। तुंदे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस प्रक्रिया दी जानकारी SMS राएं दिती जंदी है।